आज खाने में? खाने में क्या बनेगा आज? पनीर। कौन सा पनीर बनेगा? अरे कुछ भी बना दो। कौन सा पनीर बन रहा है बताइए ना। राजमा बना दो। क्या हुए नाम बताइए? पनीर। कौन सा पनीर? क्या होता है? मटर पनीर। हाँ। क्या होता है वो? पनीर। पनीर पनीर होता है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। और मम्मी देखो डांस कर रही है कितना है। नहीं देखो तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 प्याज छील के मतलब कट कर लिया है, थोड़ा सा मिर्चा, अदरक, लहसुन। ये हम 5 लोगों के लिए बना रहे हैं हाफ के जी पनीर का। और ये मीडियम साइज के 3 प्याज लिए हैं और टमाटर न्यू है खट्टा हुआ इसलिए 4 टमाटर। और यहाँ पे हमने मटर रख लिया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इधर कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा जीरा। जीरे के साथ इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन, सब एक ही साथ डाल देंगे क्योंकि हम सब कुछ एक ही साथ फ्राई करेंगे, फिर उसे मिक्सर में पीसेंगे। तो इसलिए सब डाल दो। चाट भी ऐड करके इसको अच्छे से चलाएंगे। 5 मिनट हम इसको फ्राई होने देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि प्याज बहुत अच्छे से रेड हो जाएगी, बस ये हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ना, क्योंकि ये फिर से हम इसको तेल में भी पकाएंगे। ये तो हम सिर्फ वो उसका मसाला ग्रेवी तैयार करने के लिए ही कर रहे हैं, तो साथ में हम जो टमाटर भी ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से चला के हम इसमें नमक ऐड करेंगे थोड़ा। और फिर हम इसे कवर करके पकाएंगे थोड़ी देर, 5 मिनट तक हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। ये जब वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा टमाटर प्याज, फिर हम फिर देखते हैं इसको। यहाँ पे जो मैंने प्याज जैसे हमेशा रखा था फ्राई होने के लिए, ये फ्राई हो रहा है और ये ट्रांसपेरेंट होने पर हम इसे बंद कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसका बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अभी मैं आ गई थी ना रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, खड़े खड़े पैर में दर्द होने लगता है। और जब तक वो थोड़ी सी ग्रेवी मैंने जो बनाई है वो ठंडी हो रही है, तब तक मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ, आपको उसके बाद भी कर लेती हूँ। तो आज मेरे घर को आने वाला है और हम लोग भी हैं, तो काफ़ी टाइम से लोगों को मन था मटर पनीर खाने का, मैं बना नहीं पा रही थी। मतलब मेरे को आए हुए यहाँ पे 2 वीक हो गया है और मैं सोची चलो आज कोई आ भी रहा है तो बना भी देती हूँ, घर वाले भी खा लेंगे और बाहर का भी हो जाएगा। और मेरे घर में सब लोग मैच देख रहे हैं बैठ के, पिताजी और ये भी, मम्मी भी बैठी हैं वहीं पे मैच देख रही हैं। वो आती जाती रहती हैं, चुटपुट जो काम होता है मम्मी कर देती हैं, मतलब बोलने पे कर देती हैं। और वैसे भी मन है उनका, खैर उनको हेल्थ इशू है थोड़ा सा, पर देख के नहीं लगता है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं वीडियोस बनाती जा रही हूँ, अपलोड भी कर रही हूँ, पर जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि यार वीडियो जो लोग देखते हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, और पैसे नहीं लगते ना यार सब्सक्राइब करने के, तो कर दिया करो, क्या जाता है? आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हो सकता हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। वैसे कोई नहीं, अच्छा लगे तो ही करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। पर मम्मी ना, मम्मी मेरी चलती फिरती एंटरटेनमेंट है। उनके मन का है, कभी बहुत खुश रहती हैं, कभी नॉर्मल रहती हैं, कभी डांट देती हैं, तो कोई नहीं, पेरेंट्स हैं तो इतना हो चलता है। और हाँ एक ना मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, मम्मी मतलब मम्मी के अंदर जो
नहीं कर, उम्र थोड़ी सी हो गई है तो नहीं मन करता है, पर मम्मी ये सब चीज़ें कर लेती हैं यार, मतलब अच्छा बना लेती हैं। तो मम्मी के साथ मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और चलिए हमारा मसाला भी तैयार हो गया होगा, ठंडा हो गया होगा, तो उसको पीस के फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो इस तड़के में हम डाल देंगे दालचीनी। लाल मिर्चा है, तेज पत्ता, जीरा मैंने और ग्रेवी बनाते टाइम ही ऐड कर दिया था। फिर हम इसमें देन हम इसमें ऐड करेंगे ये फ्राई होगा, बहुत अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा हींग भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये अच्छे से भून रहा है और कढ़ाई में लग रहा है। अब हम इसमें साथ में मसाले ऐड कर देंगे। ये मम्मी का मैजिक मसाला है जो घर पर बना के तैयार किए हैं। धनिया पाउडर नुकसान नहीं करता है, और साथ में हम इसको अच्छे से पकने देंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक क्या ना हो जाए, तेल ना छोड़ दे। और इधर देखो पति देव भी आ गए। क्या करने आ गए? फिनिशिंग टच देने। इनका फिनिशिंग टच तो पूछो मत, एक बार इनके हाथ का कोई खाना खा ले तो फिर खाने का नाम नहीं लेगा। साथ में मटर भी ऐड करके इसको पकाएंगे तेल छोड़ने तक। सिखाऊंगा तुमको धीरे धीरे। अच्छा, छह साल से सिखा रहे हो, अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। पूछो मत, हाथ में चोट लगा है। कुकिंग क्लास भेजेंगे जहाँ तुमको चाकू चलाना सिखाए। अच्छा ठीक है, बस चाकू जो है जो सब्जी पे चलाना, घर वालों पे नहीं। देखो ना मसाला बहुत अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। तो अब हम इस, और हमारा जो ये मटर है ना, ये भी जो 80% पक चुका है, और बाकी ये जब ग्रेवी के साथ पकेगा तो पक जाएगा पानी डालने के बाद। तो अभी हम ना इसमें ये वाला पानी ऐड करेंगे, इसमें हमने पीसा था ना कुछ लगा हुआ था वो। और आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना हो उतना पानी आप इसमें ऐड करके इसको बना सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। मैंने इसे थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि ये पनीर के साथ थोड़ा पकेगा, और मैं इसमें कच्चा पनीर भी डालूंगी। तो ये गया सारा पनीर, और इसे अब मैं 8-10 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। जो है मटर पनीर बन के रेडी हो गया है। हमें इतनी ग्रेवी चाहिए क्योंकि हम चावल से भी इसे यूज़ करेंगे, और आप लोग को जितना रखना है रखिए। और ये थोड़ा ठंडा होगा तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे कौन फोन देखता है? ठंडी लग रही है तो कंबल में बैठिए ना, मतलब सारा आराम तो इन्हीं के नाम है। हाँ
हम तो किचन में काम करते रहे और ये देखो ऑफिस के काम से छुट्टी तो ये पर्सनल काम शुरू। तो ये था नाइट टाइम का मेरा छोटा सा ब्लॉग और इसमें जो रेसिपी मैंने शेयर की है वो आप लोग बनाइए, खाइए और टेस्ट कीजिए। और मम्मी बता रही थी कि बहुत ही टेस्टी बना था, और आप लोग भी बनाएं अपने पेरेंट्स के लिए और उन्हें खुश करिए। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।